ये साड़ा इलाका बहुत पहाड़ी इलाका है, राह बहुत खराब न, और इसको अच्छी तो अच्छी गड्डी भी आवे इतना पाकिस्तान के अंदर, पर यह जी गड्डी है बहुत मजबूत गड्डी है। असी इस तो बहुत मजदूरी की है, हूँ जो टाइम आ गया इस तो मजदूरी नहीं है, हूँ असं शौक ना सिर्फ रखी है। दीना के देही इलाकों में जाने वाली नस्ब सदी पुरानी बसें जिनमें सफर करना यहाँ के लोग आज भी पसंद करते हैं। टायर से लेकर छत तक और फ्रंट से लेकर बैक तक बस के हर हिस्से पर सजावट की जाती है। ट्रक आर्ट के नमूने से तैयार की गई बसें जब पहाड़ों के दामन में बल खाती, खराटे भरती और हॉर्न बजाती हुई गुजरती है तो देखने वाले दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। में बहुत कमयाब है और इससे अलावा कोई दूसरी बस कमयाब नहीं है, ये ऊंची नीची सड़कों में चलने में बहुत कमयाब है। पहले ये गाड़ियां जेहलम की चारों तहसीलों समेत अंदरूनी शहर और मीरपुर आजाद कश्मीर के लिए भी चलती थीं, लेकिन दौरे जदीद में नई बसें आने से ये देही इलाकों तक महदूद होकर रह गई हैं। इन पर लगी रंग बिरंगी लाइट जब रात को जगमगाती हैं तो इन खूबसूरत बसों की दिलकशी और भी बढ़ जाती है। मुनफरिद अंदाज में तैयार की गई ये पुरानी बसें जिन पर बने दिलकश और दीदाज़ेब नक्शो-ओ-नगार अपनी मिसाल आप हैं। रब नवाज गोंदल, पाकिस्तान टुडे न्यूज़, दीना।